सर मेरा सा एक छोटा सा डाउट था सर, वो क्लियर करना था सर बस। जी बोलिए। सर पहले जो पहले कम एसन ने बताया था कि हम फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर कर रहे करके, ठीक है। अभी सर जस्ट जो पिछला वेबिनार हुआ था उसमें कंपनी ने बोला कि एसन ने बताया कि हम बैन स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर कर रहे हैं। मतलब तो सर हम थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर मैं इन दोनों में, मतलब या फीफा में भी स्पॉन्सर रहेगा सर कि देखिए बैन साहब, स्पोर्ट्स में रहेगा। यस यस, मैं बताता हूँ आपको। समझने वाली ये बात है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है उसमें जी जो स्पॉन्सर है ना, वो पहले से, ये एक दिन की बात नहीं है, पहले से हाँ तय होते हैं कि भाई ये लोग इसके स्पॉन्सर है। मैं आपको बताऊँ, अभी हमारा क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप चालू हो रहा है, तो ये हाँ 2 साल पहले से आईसीसी की प्लानिंग होती है कि कौन स्पॉन्सर है, कहाँ खेला जाएगा। तो जो हाँ फीफा की बात है ना, उसमें पहले कंप्लीट था कि इतने इतने स्पॉन्सर रहते हैं, ठीक है। हाँ अब एसाब हाँ ने यही देखा कि चलो इसमें अगर हमारी जगह बनती है तो हाँ हम उसके लिए जगह बना लेंगे, लेकिन उसका हाँ शेड्यूल फिक्स था। लेकिन जो BN चैनल है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, वो पहले से स्पॉन्सरशिप उसकी उसमें थी, ठीक है। हाँ अब हमने हाँ पार्टनरशिप जो किया है बीन ब्रॉडकास्टिंग वाली के साथ, हाँ तो ऑटोमेटिकली हम फीफा के पार्टनर हो गए ऑटोमेटिकली। अच्छा तो ये डिफरेंस नहीं है। अब समझ लीजिए कि आप और संपत भाई दोनों का एक बिजनेस है। अगर मैं कहूँ कि तीसरे बिजनेस की तरफ से मैं आ जाऊं, लेकिन संपत सर बोलेंगे नहीं अभी हमारे पास जगह नहीं है, हम दो काफी है, अगर उसको लेना है, मुझे अंदर एंटर होना है, तो मैं आपके साथ हाँ पार्टनर में जुड़ जाऊं, ठीक है। अच्छा अब एक तरफ संपत सर है, एक तरफ आप है, लेकिन मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ, तो हाँ ऑटोमेटिकली आपकी जो भी बिजनेस है उसमें मैं पार्टनरशिप हो गया, क्योंकि अच्छा वहां जगह नहीं है। ये मामला वर्ल्ड कप का है, वैसे भी फुटबॉल तो ये पहले से 1 साल नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि काफी 1-2 साल पहले से तय होता है कि कतार में खेला जाएगा, इसके स्पॉन्सर ये रहेंगे। अब देख लीजिए, आपने जो पहले लिस्ट देखा होगा तो कोका कोला है या बायजू है, वो तीन चार हाँ स्पॉन्सर है ना, वो टॉप पे है। उसमें कुछ हाँ परसेंटेज है कि इतने परसेंटेज में ये स्पॉन्सर है, और जो 1% है उसमें भी काफी है। तो ये मार्जिन की तरफ से होता है कि किसकी 5% है, कोई 10% में, कोई 50% में। तो वो अच्छा जो पूरा क्राइटेरिया है वो पैक था, ठीक है। अब ऐसा साहब सोच अच्छा रहे हैं कि हम इसमें एंटर होना है, देखिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हम ये जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है बीन के द्वारा माये, अभी हाँ अभी टेक्निकल सेशन में ही सुन रहा था, हाँ तो जैसे अपने TV चैनल में मैच चलता है और हाँ बीच में एड आती है, इससे बढ़िया ये है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट होगी, तो ये अच्छा ज्यादातर इंटरनेट जो यूजर है उसको टारगेट करेगी, ठीक है। अब जैसे हम हॉटस्टार, हॉटस्टार आपने देखते होंगे, जैसे टेलीविजन में हम कोई पिक्चर या नहीं देखते हैं, क्रिकेट मैच या फुटबॉल, तो मुझे हॉटस्टार आता है हमारे डेटा पैक के साथ। तो वहाँ हॉटस्टार पे क्या रहता है कि अगर कोई भी कंपनी की एड आएगी तो वहाँ पॉपअप होगा। तो हाँ ये सब की ये सोच मैं तो ये समझता हूँ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसने सीधे इंटरनेट यूजर जो है ना उसको टारगेट किया है। अब सही टीवी के बात। सामने आप देखेंगे फुटबॉल, आप इंटरनेट यूजर नहीं है, उसमें इंटरनेट के मुताबिक कुछ भी नहीं आएगा, आपको सीधा मैच दिखेगा, एडवर्टाइज दिखेगी। लेकिन अगर आप लैपटॉप में या मोबाइल में देखोगे तो जो वहाँ इंटरनेट यूजर है उसको हाँ सीधा टारगेट किया है, और जो ये बीन चैनल ब्रॉडकास्टिंग है उसके अच्छा पास 2.5 मिलियन यूजर, उससे भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, इतने तो उसके पास उसका व्यूअर है, यूजर है, तो वो सीधा हमारे साथ टारगेट में हो गए ना। तो हाँ एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि फीफा के साथ ही हम जुड़े हुए हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप हाँ अपनी है ही, क्योंकि बीन हाँ चैनल आ गई तो हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन अच्छा देखिए, मैं जो सर दूसरा मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब फीफा में वर्ल्ड कप होगा सर मैदान पर, वहां पर ऑन पीसी का लोगो नहीं रहेगा, मतलब नहीं, अभी देखिए, अभी हम जो जिस स्थिति में है ना उसको एंजॉय करना चाहिए, आगे स्ट्रेटेजी क्या रहती है साहब की वो देखना। जैसे अभी अभी साहब ये बोल रहे हैं
कि जो ओन पेशी के बारे में है ना, हमारे कोई भी लीडर ले लीजिए, उसको 10% से ज्यादा कुछ पता नहीं है, हाँ ठीक है। अब वो सरप्राइज देने के तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो हाँ मार्केट के आदमी है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसे ओपनली नहीं हो सकता कि पहले से ही। देखिए, जब बुर्ज खलीफा लाइव हुई था, तब वो राउंड टेबल डिस्कशन थी, उसके पहले किसी को पता नहीं थी कि क्या होने वाला है। यस सर ऐसे ही बुर्ज खलीफा पे लेजर शो हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया, तो जो जो हाँ थे ना, उसको 1-2 मिनट में पता चल गया, अरे ये तो बुर्ज खलीफा है। और सीधे यस अपने दिमाग में क्या बात चलता है, बुर्ज खलीफा पे लेजर शो कहना करना वो कोई छोटी बात नहीं है। सही बात तो ये सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें उसका प्लानिंग क्या है, ठीक है, उसके दिमाग में है ही क्या करना है क्या नहीं। लेकिन देखिए, आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो आपको 2 ही रोटी खानी चाहिए, मैं 10 रोटी परोस दूं तो सही आप बात वो सर नहीं कर पाएंगे। और मैं कहता हाँ हूं कि जो प्लान कंप्लीट जो लोग समझ गए हैं ना, उसको थोड़ा भी हिंट आती है ना, तो मेरी भाषा में क्या हूं, इतना इतना ओके विशाल है, इतना बड़ा है, वो धीरे धीरे जो भी अभी जरूरत है ना वही पेश करेंगे। तो हमें उसको फ्लो के साथ चलना चाहिए कि कब क्या था। आप रोज अपडेट में रहते हैं ना, तो आपको सर रोज क्या कुछ ना कुछ न्यू आता ही है। सही बात सर क्या ना जो पिछला वेबिनार हुआ था ना सर एस सर का, ठीक है, मैंने पूरा सर रात भर मॉर्निंग तक सर मैं वेबिनार सुनता रहा, तो क्या दिक्कत यह सर थोड़ा इंग्लिश समझने में मुझे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण सर मैंने वेबिनार तो सुना सर, मतलब सुनी पर मैं इंग्लिश समझ नहीं पाया, और सुबह 5 से 6 यूट्यूबर का वो सुना, उसमें उस यूट्यूबर ये बता रहे थे कि जो एस सर का बोलने का मतलब है कि जो फीफा में हमने स्पॉन्सर किया वो हमारा रॉन्ग था करके, मतलब वो गलत बताया हमने, थोड़ा हमसे गलती होगी, बट हम फीफा के साथ स्पॉन्सर नहीं कर रहे बल्कि हम बेन स्पोर्ट्स के साथ कर रहे, तो मैं हाँ, कंफ्यूज हो गया सर। नहीं देखिए, बाद में जो सेकंड वीडियो आया है वो दुबई वाला डन डील, ठीक है, अभी अभी हाँ आया, तो उसमें देखिए सीधा उसने फीफा का नाम नहीं लिया है। और अच्छा मैं यूट्यूबर की आपको एक बात बता दूं, किसी के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखिए हाँ हमारे बीच में ही है, पूजा मैडम का यूट्यूब वीडियो आता है, ये हमारे सामने बैठे इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वेबिनार भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है। कुछ हाँ यूट्यूबर ऐसे है कि वो वेबिनार क्या होता है, लीडर क्या बोलते हो, एस सर क्या बोलते हो, वो नहीं देखते, वो अपना व्यू साथ में जोड़ के प्रेजेंट जी कर देते हैं। जी तो आपको यही सुना है, आप थैंक यू। वेबिनार मैं करिए। यस सर, यस यस संपत सर, कंटिन्यू। हेलो यस सर, बोलिए, कंटिन्यू करिए। यस यस सर, देखिए देवा सर, आपको मैं एक ही बात बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे आप चेक कर लेना, एक वीडियो पड़ा है, ठीक, यस आज सर से 10 से 15 दिन पहले का है। उसमें हमारे नीरज दलवी सर ने एक क्वेश्चन किया था एस मोपरा जी से, और यस उस क्वेश्चन के आंसर में जो हमारे सीओ साहब ने बताया है कि कंपेनिंग किस तरह से होगी या फीफा वर्ल्ड कप को लेके उनका क्या स्ट्रेटजी थी, ये वो आप पूरा समझ जाएंगे। और उन्होंने उसी वेबिनार में बताया था कि कमिंग डेज में प्रेस रिलीज होने वाली है और उसका रिजल्ट कल हमारे बीच में आ गया। और अब आप मेरी मेरी आपसे राय है कि आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ये सोचने का काम कंपनी का है, ना कि आपका और मेरा। ओके, और जो होगा वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा, ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां अगर कोई खिलाड़ी जर्सी पहनने से आपको मतलब ट्रैफिक ज्यादा आएगा, तो ऐसा भी आप गलत हैं। ओके, हमारे जो सीओ है ना, ट्रैफिक के ज्ञाता कहलाते हैं, उनके जितना अनुभव आज तक किसी भी, आप सोच लीजिए, 4 वर्ष तक वो लोगों का पैसा लेके शांत लोगों को रख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक के वो कितने महान खिलाड़ी है। ओके, तो मेरे हिसाब से यस सर आप इस बारे में डिस्कशन ना ही करें तो सर बेटर।